आज से शुरू हो रहे 2G स्पेक्ट्रम नीलामी के तीसरे चरण में 8 टेलीकॉम कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इनमें रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, टेलीविंग्स, एयरसेल, टाटा टेली सर्विसेज और आइडिया सेलुलर शामिल हैं। नीलामी के लिए 900 मेगाहर्ट बैंड में 46 मेगाहर्ट और 1800 मेगा बैंड में 403.2 मेगाहर्ट रखे गए हैं। इससे सरकार को कम से कम 11,300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा, नीलामी आज सुबह 9 बजे से शुरू हो गई। नीलामी के नियमों के अनुसार प्रत्येक कंपनी को बोली लगाने के लिए 240 मिनट का कोटा दिया गया। इसका अर्थ है कि प्रत्येक कंपनी के लिए नीलामी का समय 4 घंटे तक हो सकता है। दिलचस्प यह है कि 2G स्पेक्ट्रम काफी असरदार है, जिसे 3G और 4G ब्रॉडबैंड मोबाइल इंटरनेट सर्विस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।